बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ जी आपके साथ। मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। सर्दी आ चुकी है यार, चादर वगैरह रखनी पड़ती है अभी साथ में। अच्छा, जो सऊदी अरब में भाई हैं वो तो जानते हैं, सऊदी अरब के मुस्लिम इलाकों में अभी काफ़ी सर्दी हो चुकी है और मक्का अल मुकर्मा में भी सर्दी लगती है सुबह के टाइम और रात के टाइम। अच्छा, आज की न्यूज़ से आपको अपडेट करूंगा जो कि काफ़ी हैरानकुन है। वो बात जो मैं खुद देखकर हैरान रहा हूं, वो बात यह है कि मक्का से एक ऐसी न्यूज़ आई है कि मैं खुद हैरान रह गया हूँ ये न्यूज़ पढ़कर। आप भाइयों के साथ इसकी मैं रिकॉर्डिंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूँ अखबार 24 की तरफ से। ये कन्फर्म न्यूज़ दी गई है, कोई किसी किस्म का फेक इसमें न्यूज़ या कोई मसला नहीं है। न्यूज़ ये है कि मक्का मुकर्मा के एक मोहल्ले में, एक मखसूस एरिए में कुछ रहायशियों ने भाई सिक्योरिटी अदारों को इन्फॉर्म किया है कि यहाँ पर एक घर में जो कि सुनसान पड़ा हुआ है, वहाँ पर हमें वहाँ से शेर की आवाज़ें आ रही हैं, जैसे कोई अंदर शेर गर्ज रहा है। तो हालांकि वहाँ पर तो आदमी भी कोई नहीं रहता है। तो जब भाई सिक्योरिटी अदारे फिर वहाँ पर पहुँचे हैं उस मोहल्ले वगैरह में, उस एरिए में, तो उन्होंने भी सुनी है कि वाकया ही अंदर से किसी शेर वगैरह की आवाज़ें आ रही हैं। अच्छा, इस रिकॉर्डिंग में एक चीज़ मैं आपको ना क्लोज करके दिखा रहा हूँ, वो ये है कि इस शेरनी के गले में आप देख लें जी कि एक आपको संगली दिखाई देगी। इसे पकड़ कर लाया गया है कहीं से, इसे यहाँ पर रखा गया है। आगे कहीं इसे सप्लाई करना था या किसी को बेचना था या जो भी मामला थे उसके मतलब तो अभी डिटेल से नहीं बताया गया है। लेकिन जब सिक्योरिटी अदारे भाई वहाँ पहुँचे, उस घर को खोला गया है, तो अंदर एक वाकया ही उन्हें शेरनी देखने को मिली है जो वहाँ उस घर में कैद थी, उसे वहाँ पर रखा गया था। अभी खुदा ही बेहतर जानता है वहाँ पर ये कैसी आई है, आगे इसको किधर लेकर जाने वाले थे वो लोग। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से इस चीज को भाई क्लियरली किया गया है। जैसे कि मैंने आपको फाइन के मतलब पहले ही बता दिया है कि चीते वगैरह के शिकार पर 40 लाख रियाल का फाइन है यहां पर सऊदी अरेबिया में, अभी लेटेस्ट अपडेट है। तो जो कोई भी बंदा अगर इनके हाथ लग गया जिसने ये काम किया है, इसको कहीं से पकड़ा है या कहीं से ले किया है बिना इजाजत के, तो उसे जेल और साथ में अच्छा खासा फाइन भी होगा। सऊदी अरब मुतल्लिक आपको कोई भी और न्यूज जाननी हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।